Hey makeup lovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. और आज की वीडियो है 10 minutes makeup challenge. Actually कल मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई थी और you know husbands कैसे होते हैं, फटाफट तैयार हो जाओ, just 10 minutes में तैयार हो जाओ. तो हम लड़कियां आधी घंटा एक घंटा लेके रेडी होते हैं, बट कल एक मैजिक हुआ मेरे साथ, मैं 10 मिनट में रेडी हो गई. वैसे मैं एवरी डे में ये मेकअप लुक करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ वीडियो को शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि मेरा एवरी डे मेकअप लुक क्या है. यूजुअली मुझे 10 मिनट 15 मिनट ही लगता है जब मैं एवरी डे के लिए रेडी हो रही हूँ. मुझे कहीं पर मूवी में जाना है, रेस्टोरेंट जाना है या मॉल जाना है, तो मैंने प्लान किया आप लोग के साथ इस मेकअप ट्यूटोरियल को शेयर करने का, जो कि एक 10 मिनट्स मेकअप चैलेंज भी अच्छा लगेगा दिखाने में. और मैं टाइमर भी सेट करूंगी जो कि होगा 10 मिनट्स का. होप यू कैन सी दिस. तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 10 मिनट्स के अंदर अच्छा सा मेकअप ट्यूटोरियल आप लोग को दिखा सकूं. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे अपना टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ और टाइमर स्टार्ट हो चुका है. और मैं प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ निविया मेन आफ्टर शेव बाम. ये प्राइमर बहुत अच्छा है और आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करता है. तो क्योंकि ये मेकअप ट्यूटोरियल गर्मियों के लिए बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इसे लगा रही हूँ. और सेट होने के लिए टाइम नहीं है तो मैं गार्नियर की तरफ मूव ऑन करूंगी. और मैं गार्नियर की बीबी क्रीम ले रही हूँ. I hope मैं कर सकूं guys, I really hope that. और मैं इसे ब्लेंड अपने हाथ से ही करूंगी. और मैं कंसीलर मैं यूज करूंगी NYB कंसीलर. माई कंसीलर या तो कंसीलर अप्लाई करूंगी आईलेट्स पर भी थोड़ा बहुत, और इसे ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जो कि ऑलरेडी मैंने डैम करके रखा था. गॉड, इट्स वेरी हार्ट अटैक वाला मेकअप चैलेंज. फेस को सेट करने के लिए ब्लू हेवन का सिलिकॉन फेस पाउडर. आई एम रियली सॉरी अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ. और सेम डैम ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा. और मैं बेकिंग नहीं करूंगी, मैं जस्ट अपने फेस को सेट करूंगी. आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा. और कवरेज भी मिल गई. अब आईब्रोज को सेट करूंगी द न्यूड पैलेट में से. ब्राउन एंड ब्लैक कलर लूंगी और अपना फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ. और इससे आईब्रोज को फिल इन करूंगी बहुत ही लाइट हैंड से, बहुत ज्यादा मीट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये बहुत नेचुरल लुक देता है इस तरीके से. नाउ ब्रॉन्जिंग एंड कंटूरिंग एंड एवरीथिंग. सो मैं शिवाना का पैलेट यूज कर रही हूँ और ब्रॉन्ज करूंगी थोड़ा सा अपना फेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. गॉड, आई होप आई कैन डू. बहुत हल्का सा. नाउ फॉर द ब्लश, ब्लू हेवन का ब्लश यूज कर रही हूँ, जो कि आप सबको पता है 25 रुपीज का है और इसमें मेरा शेड 04 है. बहुत ही प्यारा सा ब्लश है फॉर एवरी डे. ब्लेंड भी कर दिया साथ साथ. अब मूव ऑन करती हूँ अपने आई मेकअप पे, जिसके लिए मैं द न्यूड सॉरी जो भी है ये शिवाना पैलेट एंड ऑल, इससे अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई करूंगी. और माई ट्रांजिशन शेड मैंने इतना ज्यादा हड़बड़ा के तो कल बिल्कुल नहीं किया था, बहुत आराम से किया था, बिकॉज कैमरा ऑन होते ही एक
कैमरा वाला नर्वसनेस आ जाता है कि आप सब मुझे देख रहे हो। तो ट्रांजिशन पे ब्राउन कलर अप्लाई करने के बाद, आई होप अभी बहुत सारा टाइम है, करने के बाद जल्दी 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 मूव ऑन करूंगी। एंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टील पैरिस का ब्लश और इसमें से मैं पिक कर रही हूँ ये डार्क शेड और मैं अप्लाई करूंगी अपने पूरे लिड्स पर। मैं बहुत सारे डिफरेंट शेड्स को यूज आज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसी को अपने आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। और ये मैट शेड है तो आपके समर आई मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ओके, नाउ फटाफट आई मूव टू काजल। एंड काजल और मैं NYB का काजल यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, इसे मैं अपने वाटर लाइन पे लगाऊंगी। और मैं एवरीडे में आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं स्मज करती हूँ अपने काजल को अपने लैश लाइन के पास सॉफ्ट कोल टाइप का इफेक्ट देने के लिए। लोअर लैश लाइन को भी स्मज करेंगे। ओ माय गॉड, एंड आई एम थिंकिंग पता नहीं कितना टाइम है, आई डोंट नो। अब मूव ऑन करूंगी अपने आई लैश कलर पर। जो कि ये है मेबलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा और आईलैश कर्लर मेरा वेगा का था। अब हाइलाइटिंग, फॉर माय हाइलाइटिंग आई एम गोइंग टू यूज द सेम शिवाना पैलेट में से मैं ये शेड लेके अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी और अपने ब्राउ बोन को भी। मेरा फुल फेस कंप्लीट हो गया है, ओनली मेरा लिपस्टिक बाकी है, 3 मिनट बाकी। गाइज आई एम सुपर टैलेंटेड, आई गेस आई एम सुपर टैलेंटेड। तो मैं यहाँ पे पहले लिप पे लगा रही हूँ, आउटलाइन करूंगी पहले, देन मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैंने सेलेक्ट किया ये गाला ऑफ लंदन की ट्विग, ये बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है, लिटरली मुझे बहुत पसंद आई। एंड लुक एट दिस शेड, अभी भी मेरे पास 2 मिनट है गाइस, मींस आई एम अमेजिंग। और ये जो हैक है ना कि अगर आप लेट हो रहे हो तो आप फटाफट से अपना आईलाइनर स्किप कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो स्मजिंग वाला काजल, तो ये बहुत अच्छा होता है। जब भी मैं लेट होती हूँ तो मैं यही ट्रिक को अपनाती हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने कम्प्लीट किया। एंड My face is done, सब कुछ complete हो गया है और अभी भी मेरे पास 2 मिनट, 1 मिनट 50 सेकेंड है। So guys, मैंने तो complete कर लिया अपना makeup, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। And you can see the coverage is very good as well, और मेरा bronzing भी अच्छे से blended है। मेरा blush मैंने बहुत ज्यादा नहीं apply किया हुआ है, but मेरा bronzing भी बहुत अच्छे से हो गया और साथ ही साथ मेरा lip shade तो bomb है। मैंने अपने आईब्रोज ज्यादा फिल इन नहीं किए बिकॉज एवरीडे में मैं इतना ज्यादा फिल इन नहीं करती और मेरा आई मेकअप इज जस्ट अमेजिंग, जा रहा है मेरे लिप्स के साथ, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो ये मेरा एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक है जिसको आप बोल सकते हो कि मैं एवरीडे में
जब भी मुझे रेडी होना होता है तो मैं कुछ ऐसा ही मेकअप करती हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल से हेयर स्टाइल के साथ आपके ये जो लुक है ये बहुत अच्छे से कम्प्लीट करता है। और ये जो हैक है ना कि आईलाइनर नहीं लगाती, मैं स्मज्ड आईज कर लेती हूँ, ये बेस्ट ट्रिक है मेरे जैसी लड़कियों के लिए जिनको मेकअप बहुत पसंद है। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर 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 बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के कमेंट्स जानने में। सो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।